एवरीवन, आई एम डॉक्टर अंजुम तड़वी। आज हम बेड पे लेटे हुए कुछ एक्सरसाइजेस करने वाले हैं। ये एक्सरसाइज करते वक्त आपको कोई भी मदद लगे या टर्न होने में अगर हेल्प लगती है तो आप अपने फैमिली मेम्बर को बुला सकते हैं। आज हम पहला एक्सरसाइज पर स्लिप ब्रीदिंग करने वाले हैं। तो इस तरह लेटने के बाद एक हाथ पेट पर और एक हाथ चेस्ट पर, छाती पर रखना है। आपको नाक से लंबी गहरी सांस लेते हुए पेट को ऊपर आने देना है, हल्की फूंक मारते हुए पेट हल्का सा अंदर जाते हुए महसूस करना। ये साथ में करते हैं, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, और बार ब्रीद इन, ब्रीद आउट, रिलैक्स। अगले एक्सरसाइज में हम चिन टक्स कर रहे हैं, जिसमें हमें बिना सर उठाए चिन को अपने चेस्ट के पास लाना है। इसे हम 5 काउंट्स के लिए होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। अगले एक्सरसाइज में हम आर्म रेजेस कर रहे हैं। इसके लिए हम पीठ के बल दोनों घुटनों को मोड़े हुए लेटे हैं। दोनों हाथों को सीधे हमें सर के पीछे तक लेके जाना है। साथ में करते हैं। ये करने पे ध्यान रखिए, आपको पीठ को आर्च नहीं करना है, पीठ सीधी रखें। उसी तरह हाथों को नीचे लाइए। एक और बार साथ में करते हैं। अब हाथ नीचे और एक बार करेंगे। दोनों हाथों को कोहनी से सीधा रखते हुए ऊपर लाइए। अब पूरी तरह नीचे लाइए। ब्रिजिंग के अगले एक्सरसाइज के लिए हम पीठ के बल घुटने मोड़ के लेटे हैं। यहाँ पर हमें अपने हिप को जितना हो सके सीधा ऊपर उठाना है और हम 3 काउंट के लिए होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, डाउन। साथ में करते हैं। 1, 2, 3, डाउन, और एक बार हिप सीधे ऊपर उठाते हुए होल्ड। 1, 2, 3, डाउन एंड रिलैक्स। अगले एक्सरसाइजेस को हम हाफ क्रंचेस कहते हैं, जो हमारे कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनकी ताकत बढ़ाने के लिए हम कर रहे हैं। हमें दोनों घुटनों को मोड़ते हुए पीठ से पीठ के बल छोना है। दोनों हाथों को थाइस पे रखेंगे। अब आपको गर्दन को ऊपर और कंधों को ऊपर उठाते हुए हाथों को घुटनों तक लेके जाने की कोशिश करनी है। साथ में करते हैं। वो अप, और धीरे धीरे नीचे आइए। फिर एक बार अप। ये पेट के मसल्स को टाइट होते हुए महसूस कीजिए। धीरे धीरे नीचे आइए। एक और बार करते हैं। गो अप एंड डाउन, रिलैक्स। ट्रंक रोटेशन एक्सरसाइजेस के लिए हमने फिर एक बार दोनों पैरों से घुटनों को मोड़ा है और पैरों को पास रखा है। ये एक्सरसाइज हमारे धड़ के स्टिफनेस या कड़कपन को कम करने में मदद करेगी और ये इसी से हम टर्निंग में भी, बेड में टर्न होने में भी हमें हेल्प मिलेगी। साथ में करेंगे। दोनों घुटनों को राइट साइड ले जाइए, सेंटर। अब लेफ्ट साइड ले जाइए एंड सेंटर। एक और बार राइट साइड, सेंटर, लेफ्ट साइड, सेंटर।
एक और आखिरी बार करेंगे, राइट साइड ले जाइए, सेंटर एंड लेफ्ट साइड, सेंटर, रिलैक्स। हील स्लाइड ये एक्सरसाइज हमें पेट पीठ के बल सीधे लेट के करनी है। इस एक्सरसाइज से हमारी मॉर्निंग स्टिफनेस कम होने में मदद होगी। आपको राइट पैर घुटना मोड़ते हुए रखना है और लेफ्ट पैर की एड़ी को घसीट के घुटना ऊपर मोड़ते हुए लाना है। लेफ्ट हील अप, स्लाइड डाउन, फिर एक बार स्लाइड अप, स्लाइड डाउन, एक आखिरी बार हील घसीटते हुए ऊपर एंड नीचे। इसी को हम अभी दूसरे पैर के साथ दोहराएंगे। अपने लेफ्ट घुटने को मोड़ लीजिए और राइट एड़ी को घसीटते हुए ऊपर लाइए। घसीटते हुए नीचे, स्लाइड अप एंड स्लाइड डाउन। एक आखिरी बार साथ में करेंगे, स्लाइड अप एंड स्लाइड डाउन, रिलैक्स। हिप फ्लेक्शन एक्सरसाइज हमारे चलने के स्नायु को ताकत बढ़ाने के लिए मदद करेंगे। इस एक्सरसाइज में हमें सीधे लेटते हुए एक पैर को घुटने से सीधा रखकर सीधे ऊपर लाना है और तीन काउंट तक पकड़े रखना है, 1 2 3, और नीचे। फिर एक बार करते हैं अप, 1 2 3, और नीचे। एक आखिरी बार पैर ऊपर उठाइए सीधे, 1 2 3 एंड नीचे। यही हम एक और बार करेंगे हमारे लेफ्ट पैर के साथ। पंजा टाइट रखते हुए घुटना सीधा रखेंगे और पैर ऊपर उठाकर होल्ड, 1 2 3 एंड नीचे। फिर एक बार ऊपर उठाते हैं, 1 2 3 एंड डाउन, वन लास्ट टाइम अप, 1 2 3 एंड डाउन, रिलैक्स। हिप क्लैंप एक्सरसाइज के लिए आपको एक करवट पे साइड में दोनों घुटनों को मोड़ के और दोनों पैरों को साथ में रख के लेटना है। ये एक्सरसाइज हमें स्टैंडिंग जैसे खड़े होने में और वॉकिंग करने में मदद करेगी। इसमें हमें जो ऊपर वाला घुटना है उसे हल्के से ऊपर उठाना है और हल्के से नीचे लाना है। फिर एक बार साथ में करते हैं, पैरों को पास रख के घुटना ऊपर एंड नीचे, फिर एक बार घुटना ऊपर और नीचे। यही एक्सरसाइज हम दूसरे डायरेक्शन में भी फिर एक बार करेंगे। अब हम नी एक्सटेंशन एक्सरसाइज करने वाले हैं, जो घुटने के दर्द को कम करने में और खड़े होते वक्त घुटना सीधा रखने में हमें मदद करता है। इस एक्सरसाइज के लिए हम घुटने के नीचे एक छोटा सा पिलो ले लेंगे और पिलो लेने के बाद आपको अपने पैर को घुटने से हल्का सीधा करना है और पंजे को टाइट रखते हुए तीन काउंट तक होल्ड करना है, 1 2 3 नीचे। फिर एक बार घुटना ऊपर, 1 2 3 नीचे। एक और बार करते हैं अप, होल्ड, 1 2 3 नीचे एंड रिलैक्स। यही एक्सरसाइज हमें दूसरे पैर पे भी दोहरानी है। एंकल टो मूवमेंट एक्सरसाइज हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में मदद करती है। इसमें हमें सिंपली पैर सीधा रखते हुए लेटना है, अपने एंकल को अपनी तरफ खींचे और जितना हो सके नीचे की तरफ फिर ग्राउंड तक ले जाए। ये हम 10 काउंट्स के लिए करेंगे, 1 up 2 down 3 up 4 down 5 up 6 down 7 up 8 down 9 up 10 down
रिलैक्स